एक एक परत खोलते हुए कितनी देर चली थी ये स्ट्राइक 2 to 5। आज की खास खबर की पूरी पड़ताल, हर पहलू की तह तक, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट मेरे यानी अर्पिता आर्या के साथ। अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने बाजी मार ली है। वो 20 जनवरी 2017 को अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के पद के तौर पर शपथ लेंगे। एक कामयाब बिजनेसमैन से लेकर दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स की कुर्सी तक पहुंचने का ट्रंप का ये सफर बेहद दिलचस्प है। जिस शख्स को एक राजनेता के तौर पर कोई गंभीरता से लेने को तैयार नहीं था, उसकी जीत कई लोगों को हैरान कर रही है। लेकिन जीतना ट्रंप के लिए कोई नई बात नहीं है। उनकी जिंदगी देखने पर यह पता चलता है कि कामयाबी ट्रंप की शख्सियत का अहम हिस्सा रहा है। आई प्लेज टू एवरी सिटीजन ऑफ आवर लैंड दैट आई विल बी प्रेसिडेंट फॉर ऑल अमेरिकन्स। My honor is an amazing evening. It's been an amazing 2-year period, and I love this country. Thank you very much. ऐलान के साथ करोड़ों अमेरिकियों की उम्मीदों को पंख लगे, लेकिन करोड़ों ऐसे भी हैं जिन्हें अमेरिकी चुनाव के नतीजे ने हैरत में डाल दिया। यकीन करना मुश्किल है कि ज्यादातर प्रेसिडेंशियल डिबेट में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन से पीछे रहने वाले डोनाल्ड ने कैसे अमेरिका के लोगों के दिलों में जगह बना ली। वो कौन सी खूबियां हैं जिनकी बदौलत रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अगले 4 साल के लिए अपनी जगह पक्की कर ली, जबकि चुनाव प्रचार के दौरान लोग उनको गंभीरता से लेने तक को तैयार नहीं थे। जवाब एकदम सीधा है, इतिहास एक दिन में नहीं बनता। जो आज दिख रहा है उसकी नींव अतीत में ही पड़ चुकी थी। अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी का इतिहास भी काफी पहले से शुरू हो जाता है, शायद उनके जन्म के वक्त से ही। 14 जून 1946 को जन्मे डोनाल्ड ट्रंप चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे। उनके जन्म के वक्त उनके पिता फ्रैंक ट्रंप न्यूयॉर्क से सटे क्विंस और ब्रुकलिन में सबसे बड़े बिल्डर के तौर पर स्थापित हो चुके थे। न्यूयॉर्क और उससे सटे इलाकों की कई ऊंची इमारतें आज भी ट्रंप खानदान की कामयाबी का इतिहास बयां करती हैं। जानकारों का कहना है कि ट्रंप की पूरी शख्सियत उनके अमीरी में पले बचपन की देन है। बेबाक, बड़बोला, मुफट, विरोधियों पर तीखे हमले करने वाला, जैसे कई नाम अमेरिकी चुनाव प्रचार के दौरान मिल चुके हैं। लेकिन ट्रंप को इन हमलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं थी कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। और इसकी बानगी तभी दिख गई थी जब 6 अगस्त 2015 को रिपब्लिकन पार्टी के पहले कैंडिडेट डिबेट में उन्होंने हिस्सा लिया था। इस बहस के दौरान उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो हर मुद्दे पर खुद को निष्पक्ष दिखाने की कोशिश करता रहा है। I think the big problem this country has is being politically correct. इस बहस से शुरू हुआ ट्रंप का राजनीतिक सफर आज उस मुकाम तक पहुंच गया है जहां उनके पास दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की कमान है और करोड़ों अमेरिकियों के ख्वाबों को पूरा करने की चुनौती भी। आज ट्रंप अमेरिकी सपनों की ऊंची उड़ान के प्रतीक बन चुके हैं, लेकिन एक वक्त था कि वो खुद को अपने कारोबार तक सीमित रखना चाहते थे। 17 दिसंबर 1987 को एक इंटरव्यू में ट्रंप ने जब राजनीति में आने पर सवाल किया गया तो जवाब एकदम साफ था, मैं इतना बेबाक हूँ कि राजनीति में नहीं आ सकता। You know, I think I'm pretty outspoken, and that's not probably a good thing in terms of a politician, but it's a good thing if you ever got elected. लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था। शायद डोनाल्ड ट्रंप को भी अंदाजा नहीं था कि उनकी किस्मत उन्हें व्हाइट हाउस के दरवाजे तक पहुंचाना चाहती है। तभी तो वो कुछ साल पहले तक सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने, संपत्ति बढ़ाने और राजनेताओं से संपर्क मजबूत करने में ही मशगूल थे। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने पिता के कारोबार में हाथ बटाना शुरू कर दिया था।
1960 में जब अमेरिका में मध्य वर्ग तेजी से उभर रहा था तो ट्रंप के पिता ने उनके लिए आशियाने बनाने शुरू किए और इस काम में शामिल होकर ट्रंप ने कारोबार के अहम गुर सीखे। इसके बाद ट्रंप ने कुछ दिन मिलिट्री एकेडमी में भी बिताए। इसके बाद उन्होंने वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA किया। I'm really smart. Went to the Wharton School of Finance. Even then, long time ago, like the hardest or one of the hardest schools to get into. लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान उनके विरोधी कहते रहे कि ट्रंप ने MBA किया ही नहीं है। यानी ट्रंप के साथ एक और विवाद जुड़ गया। जितने ज्यादा विवाद उतना प्रचार और हर विवाद के साथ ज्यादा ऊर्जावान। ट्रंप की इसी खासियत ने उन्हें ऐसा बाजीगर बना दिया जो हारता कम जीतता ज्यादा है। और इस बड़ी जीत के लिए छोटी छोटी हार से ट्रंप को कोई परहेज नहीं रहा। वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो जीत के यकीन के साथ ही खेल में उतरता है, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। डोनाल्ड ट्रंप को भले ही पूरी दुनिया में अब जाना जा रहा है, लेकिन अमेरिकों के लिए ये बेहद जाना पहचाना नाम है। अमेरिका में ट्रंप एक ब्रांड के तौर पर जाने जाते हैं, एक ऐसा ब्रांड जिसके साथ जुड़ने का मतलब है कामयाबी, एक ऐसा ब्रांड जिसके अमेरिका के कई शहरों में तूती बोलती है। मैनहट्टन शहर, आसमान छूती इमारतें, दुनिया का हर ब्रांड यहाँ मिलता है। मैनहट्टन द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम का जीता जागता मिसाल है। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया था जब मैनहट्टन बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा था। मंदी के दौर में मैनहट्टन की हालत खराब थी, लेकिन आज मैनहट्टन अपने पुराने इतिहास को भुलाकर कामयाबी की नई इबारतें लिख रहा है। मगर शहर की इस कायापलट के पीछे किसका हाथ था? वही शख्स जो आज फिर से अमेरिकी इतिहास की नई किस्मत लिखने जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने 70 और 80 के दशक में मैनहट्टन शहर की काया बदल दी, उसे एक ब्रांड बना दिया, दोबारा से ग्रेट बना दिया। मैनहट्टन को दोबारा जी उठे न्यूयॉर्क का प्रतीक बना दिया। ट्रंप के अंदाज में ये एक महान अमेरिकी सपना था जो उन्होंने निराश हो चुके अमेरिकियों को दोबारा दिखाया। ट्रंप को तड़क भड़क, उनका आत्मविश्वास, उनके तेजी से उभरने का अंदाज, बड़ा बनने की चाहत ने उन्हें बेहद ताकतवर शख्सियत बना दिया। That's what makes Donald Trump Donald Trump. The fact that he likes himself, that he has this grand image of himself, really helps him to accomplish things that other people can't accomplish. 1983 तक डोनाल्ड ट्रंप बेहद ही मंजे हुए बिजनेसमैन के रूप में उभरे। अपनी काबिलियत के दम पर दो बेहद ही कामयाब रियल एस्टेट डील्स के बूते उन्होंने अपने पुश्तैनी कारोबार को नया मुकाम दिलाया और ट्रंप की कामयाबी मीडिया की सुर्खियां बन गई। Exaggerates because it's a state-of-the-art way of promoting himself. I'm really rich. I'll show you. It's all about promotion and marketing and saying you're great, and therefore it becomes self-fulfilling and people believe you're great. Donald Trump built this whole idea of these luxury condos before anybody did. 1976 में ट्रंप ने हयात कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप में कॉमोडोर होटल खरीदा, जो अब द ग्रेट हयात नाम से मशहूर है। ट्रंप बेहद ही चालाक बिजनेसमैन है। उस वक्त न्यूयॉर्क शहर दिवालियेपन के दौर से गुजर रहा था, इसी बात का फायदा ट्रंप ने बखूब उठाया। ट्रंप ने इस डील में 40 साल तक टैक्स छूट हासिल कर ली। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार था जब किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी को ये टैक्स छूट हासिल हुई हो। इतना ही नहीं, ट्रंप को बैंक ने $70 मिलियन लोन दे दिए। मरम्मत का काम शुरू हुआ और होटल शानदार इमारत में तब्दील हो गया। होटल के बनने से अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे उछाल आने लगा और आज 25 मंजिला द ग्रैंड हयात होटल न्यूयॉर्क शहर की शान है। न्यूयॉर्क सिटी की मोस्ट इंपोर्टेंट एरिया, द ग्रैंड सेंट्रल एरिया, ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू कंबाइन टू मेक प्रोबेबली द मोस्ट सक्सेसफुल होटल, वन ऑफ देम इन द कंट्री। 1983 में मैनहट्टन शहर के टिफनी इलाके में बनी ये 68 मंजिला इमारत ट्रंप की हैसियत और उनकी शख्सियत की मिसाल है, जिसे अमेरिका ट्रंप टावर के नाम से जानता है। और यहीं से ट्रंप का नाम एक ब्रांड के तौर पर मशहूर हो गया। यानी ट्रंप का नाम जिस चीज के साथ जुड़ जाता था, उसकी कीमत रातों रात आसमान तक पहुंच जाती थी। 1984 में ट्रंप ने अपने पुश्तैनी रियल एस्टेट के कारोबार के बाहर हाथ आजमाया और यही उन्होंने जिंदगी की सबसे पहली हार चखी। ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट फुटबॉल लीग में एक फ्रेंचाइजी खरीदी।
ट्रंप और उनके साथियों ने नेशनल फुटबॉल लीग पर लीग के ब्रॉडकास्टिंग एकाधिकार के चलते $1.7 बिलियन का मुकदमा ठोक दिया, जिसमें ट्रंप की हार हुई। लेकिन ट्रंप की ये हार भी उनके लिए फायदे का सौदा साबित हुई। ट्रंप ने $1 मिलियन पैसे जरूर गवाए, लेकिन $1 बिलियन की मुफ्त पब्लिसिटी भी उन्हें मिल गई। अपनी हार को भी अपने हक में भुना लेने की इसी अदा ने उन्हें डोनाल्ड ट्रंप से द डोनाल्ड में बदल दिया। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप के पिता ने एक बार कहा था कि उनका बेटा जिस चीज को हाथ लगा देता है वो सोना हो जाती है। ये बात कुछ मामलों में सही भी लगती है, क्योंकि ट्रंप ने कई मौकों पर अपनी हार को भी अपने हक में भुना लिया। उन्हें अपने शौक से भी पैसे कमाने में महारत हासिल है। America great again. अरबपति कारोबारी, टीवी होस्ट, मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचने में माहिर। I will totally accept the results if I win. डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा शख्स जिसे वो सब कुछ मिला जो उसने चाहा, जिसे विरासत में ही पिता का बहुत बड़ा कारोबार मिला। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप खुद को सेल्फ मेड मैन यानी अपने बूते खड़ा हुआ शख्स कहलाना पसंद करते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्हें उनके पिता ने $1 मिलियन दिया और कहा कि जो करना है इसी से करके दिखाओ। इस जवाब पर लोगों को हंसी भी आई, क्योंकि $1 मिलियन बड़ी रकम होती है। जब इस बयान पर ट्रंप से सवाल किए गए तो उन्होंने बेहद दिलचस्प जवाब दिया। It has not been easy for me, and you know, I started off in Brooklyn. My father gave me a small loan of $1 million. I came into Manhattan. Let's just put this in perspective. You said it hasn't been easy for you, but my dad gave me $1 million loan. Didn't. That probably is going to seem You're pretty right. easy to a lot You're of people. Right. But $1 million isn't very much compared to what I built. Donald ने 1971 में सिर्फ 25 साल की उम्र में पिता की विरासत संभाल ली थी। इसके बाद बेहद समझदारी से उस विरासत को और बड़ा करना शुरू कर दिया। सबसे पहला काम डोनाल्ड ने ये किया कि उन्होंने अपने राजनीतिक संपर्क बढ़ाए, नेताओं से दोस्ती गाठी, सत्ता की गलियों तक अपनी पहुंच आसान बनाई। लेकिन तब तक डोनाल्ड के मन में ये कहीं भी नहीं था कि वो खुद राजनीति में उतर आएंगे। 1974 तक वो मैनहट्टन के सबसे बड़े बिल्डर बन चुके थे। 1973 में ट्रंप अपने पिता की बनाई गई कंपनी में प्रेसिडेंट बनाए गए, जिसके बाद वर्तमान में वो उसी कंपनी के 14,000 अपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, जो ब्रुकलिन, क्वींस और स्टेटन आइलैंड में फैला हुआ था। ट्रंप की मौजूदा शख्सियत को आप इन आंकड़ों के जरिए समझ सकते हैं। माना जाता है कि उनकी कुल संपत्ति $4.1 बिलियन है। अमेरिका में उनके कई कैसीनो, गोल्फ कोर्स और होटल्स हैं। 1913 में फोर्ब्स मैगजीन की तरफ से जारी सेलिब्रिटी लिस्ट में उन्हें 14वां स्थान दिया गया था। डोनाल्ड ट्रंप अब तक 18 किताबें भी लिख चुके हैं। चर्चा में बने रहने के लिए ही ट्रंप ने साल 1987 में दुनिया का सबसे अमीर आदमी यानी ब्रुनेई के सुल्तान से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लग्जरी जहाज खरीदा, जिसकी कीमत ही $150 मिलियन थी। इसके अलावा बतौर कामयाब व्यवसायी डोनाल्ड ट्रंप ने टीवी में कई कार्यक्रमों को भी होस्ट किया। बिजनेस और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अलावा ट्रंप को स्पोर्ट्स का भी शौक है और इस शौक से भी वो पैसे बनाना जानते हैं। 1988 का एक बॉक्सिंग मुकाबला आज भी अमेरिकी लोगों के जहन में ताजा है। इस मैच के हीरो थे माइक टायसन। माइक टायसन उस समय दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी थे। डोनाल्ड ने $11 मिलियन खर्च करके टायसन को ट्रंप प्लाजा में मुकाबला करने को राजी कर लिया। ये उस समय सबसे चर्चित फाइट थी, जिसे देखने के लिए मैडोना, ओपरा विनफ्रे और जैक निकल्सन जैसी शख्सियत आई थी। टायसन ने इस मैच को 91 सेकंड में ही जीत लिया। उन्हें $20 मिलियन का इनाम मिला। ट्रंप का ये इवेंट बॉक्सिंग इतिहास का सबसे महंगा मैच बन गया, जिसका कुल खर्च $70 मिलियन था। इस मैच के बाद ट्रंप अमेरिका ही नहीं दुनिया भर के अखबारों और टीवी चैनलों में सुर्खियां बनकर छा गए। साफ है, इस अरबपति कारोबारी के लिए कामयाबी कोई ऐसी चीज नहीं जिसके लिए तरसना पड़े। ट्रंप ने राजनीति में कदम रखा और सिर्फ कुछ सालों की मशक्कत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया।
वैसे जो लोग ट्रंप की राजनीतिक समझ पर सवाल उठाते रहे हैं, उनको ट्रंप के इस बयान पर गौर करना चाहिए। For those who've abandoned hope, we'll restore hope and we'll welcome them into a great national crusade to make America great again. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again. पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के इस जुमले को ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान बार बार दोहराया, अमेरिका को फिर से महान देश बनाने का सपना दिखाया और आज नतीजा सबके सामने है। फिलहाल हमारे स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।